वैश्विक महामारी कोरोना संकट के दौरान जब पूरे देश में मानवता कराह रही थी, तो जन भागीदारी से जन कल्याण के लिए किए गए अकल्पनीय सामाजिक कार्यों के लिए शनिवार को जाने माने समाजसेवी और उद्यमी संजय राय शेरपुरिया को राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी कला केंद्र में सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर यूनाइटेड नेशन से जुड़ी एसडीजी चौपाल संस्था द्वारा संजय राय शेरपुरिया को इस समारोह में नेशनल ब्रांड एम्बेसडर घोषित करके सम्मान किया। अपने संक्षिप्त भाषण में इंदिरा गांधी कला केंद्र के अध्यक्ष पद्मश्री राम बहादुर राय ने संजय राय को बधाई देते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के समय में गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में मानवता की सेवा की है, वह सराहनीय है। अतिथि विशेष नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने संजय राय शेरपुरिया के सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जब महामारी पूरे देश में अपने चरम पर थी और हर व्यक्ति अपने जीवन की सुरक्षा के बारे में चिंतित था, ऐसे समय में संजय राय ने गाजीपुर जिले के गांव-गांव जाकर लोगों की जान बचाई और यह सुनिश्चित किया कि मृतकों को अंतिम संस्कार सम्मान के साथ हो। इस अवसर पर बोलते हुए संजय राय ने कहा कि एसडीजी चौपाल की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किए जाने पर वह स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यह मेरा नहीं बल्कि मेरे साथ काम करने वाले उन लोगों का सम्मान है जिन्होंने दिन रात अथक परिश्रम करके समाज सेवा के इस काम में हाथ बटाया। संजय राय ने कहा कि समाज और जनता की सेवा करना केवल राजनेताओं का ही काम नहीं बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। मुख्य अतिथि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष व उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश चंद्रमौली कुमार प्रसाद, विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सांसद सुरेश प्रभु, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर विवेक कुमार और हिंदुस्तान समाचार के कार्याध्यक्ष अरविंद्र मार्डिकर ने भी संजय राय के व्यक्तित्व और उनके द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न सामाजिक प्रकल्पों की भूरी भूरी प्रशंसा की। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान जानकारी और सुविधाओं के अभाव के कारण लाखों परिवारों में बेचैनी तथा भागदौड़ की स्थिति बन गई थी। लॉकडाउन के कारण गाँव और कस्बों में पहुँचना मुश्किल था। ऐसे भयावह स्थिति में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आशा की एक किरण के रूप में संजय राय शेरपुरिया ने मानवता को अपना धर्म अपनाया। उन्होंने तन मन धन से मानवता की सेवा करने का संकल्प लिया। इसके बाद संजय राय ने गाजीपुर जिले की 200 से ज्यादा संस्थाओं और व्यक्तियों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए जिससे हजारों लोगों को असामयिक मृत्यु बचाया जा सके। इसके अलावा संजय राय ने गाजीपुर की एक एम्बुलेंस, एक टेलीमेडिसिन वाहन, आवश्यक दवाओं, डॉक्टरों और अनेक कार्यकर्ताओं की सुविधा उपलब्ध कराई। 60,000 से अधिक परिवारों को घर घर जाकर मास्क और दवाएं पहुंचाई गई। इतना ही नहीं, जब उनको पता चला कि गरीबी के कारण लड़कियों की कालाबाजारी हो रही है और लोग उनकी गृह जनपद गाजीपुर में अपने मृत परिजनों के शवों का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रही हैं, तो उनका दिल गहरी पीड़ा से भर उठा। उन्होंने एक पल में निश्चय किया कि मातृभूमि के इन लोगों के कष्ट को हर हाल में दूर करना है। इसके बाद उन्होंने प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं को अपने साथ जोड़कर 10 घाटों पर एक लकड़ी बैंक की व्यवस्था की। इससे गंगा नदी के शवों को सड़ने से होने वाले प्रदूषण तो रोका ही, मृतकों के परिजनों को भी भारी राहत मिली। आज उनके द्वारा शुरू किया गया यह लकड़ी बैंक देश विदेश में चर्चा का विषय बन चुका है। संजय राय शेरपुरिया ने कोरोना जैसे भयावह समय में मानवता के लिए जो अकल्पनीय और हृदय स्पर्शी कार्य किया, इसके पूरे विवरण के साथ गाजीपुर नागरिक अभिनंदन समिति, एसडीजी चौपाल और रोटरी क्लब इंटरनेशनल जैसे अनेक संस्थाओं का सहयोग से एक कॉफी टेबल बुक का प्रकाशन भी किया। आज के कार्यक्रम में इस बुक का विमोचन किया गया। गाजीपुर के नवयुवकों और युवतियों को रोजगार और नौकरी की तलाश में बाहर न जाना पड़े और हर हाथ को काम मिले, संजय राय ने इसके लिए भी अभिनव पहल की है। उन्होंने जिले के कई इलाकों में रोजगार मेलों का आयोजन करके प्रशिक्षण की शुरुआत की है। अपने गृह नगर गाजीपुर ही नहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी संजय राय ने लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कई सराहनीय प्रयास किए हैं। इस समय दिल्ली में कोरोना संकट शुरू हुआ और लोगों की परेशानी बढ़ने लगी, तो उस समय पड़ोसी देश पाकिस्तान से आकर दिल्ली में बसे हिंदुओं पर दोहरी मार पड़ रही थी। एक तो अपने देश को छोड़ने का दर्द, ऊपर से कोरोना संकट। ऐसे में उनके दर्द को देखकर समाज से भी उद्यमी संजय राय शेरपुरिया का हृदय पीड़ा से भर उठा। अपने हृदय की आवाज को सुनकर संजय राय ने मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास महाराणा प्रताप नगर की झुग्गी झोपड़ियों में अपनी गृहस्थी को नए सिरे से बसाने के लिए जूझ रहे इन पाकिस्तानी हिंदुओं के जीवन को आसान बनाने और सही तरीके से जिंदगी जीने के लिए सहायता उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर बस्ती में आयोजित सेवा दिवस समारोह के दिन लिए गए इस संकल्प को जब कार्य रूप में देने का काम शुरू हुआ, तो संजय राय अकेले थे, लेकिन धीरे धीरे कई लोग इस शुभ संकल्प से जुड़ते गए
और देखते ही देखते पूरी बस्ती का कायाकल्प हो गया। आज इस बस्ती में संघ की तरफ से एक एकल विद्यालय चलाया जा रहा है। सड़कें साफ सुथरी हो गई है, सड़कों की दोनों ओर छायादार पेड़ लग चुके हैं, लोगों की शौचालय और स्नानागार की व्यवस्था की गई है और एक जल शोधन संयंत्र के सहारे उन्हें पीने की शुद्ध पानी मिल रहा है। इन लोगों को रोजगार करके सम्मानजनक जीवन यापन हेतु ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। बस्ती के युवकों को क्रिकेट खेलने के लिए साधन उपलब्ध कराए गए हैं और कोरोना काल में जब उनकी रोजी रोटी पर संकट बादल मंडराए तो उन्हें मुफ्त भोजन भी उपलब्ध कराया गया। संजय राय की इस पहल को दिल्ली राइडिंग क्लब संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करने वाली संस्था SDG चौपाल के अलावा देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।